शिवानी जी, कसरत तो बहाना था, असली मकसद हमारा ना आपसे बतियाना था। जब ऐसे हम आपको आपको पहली बार देखे ना, तो हमको ऐसा लगा जैसे 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 खिलता गुलाब। आप कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए ना। शिवानी जी, हम ना सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमको ना मन ही मन ना आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गया। शिवानी जी, हम ना आपको ऐसे अपना 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 जीवन संगी, ऐसे एकदम मतलब धर्म पत्नी होता है ना मंगलसूत्र बांध के, वो बनाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? शिवानी। अरे संत जी आ गए, गुरु माता। गुरु पानी पानी। हाँ चाहिए था, चाहिए तो था हमको। तो शिवानी, आज मैं आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी, सेल्फ डिफेंस वाली। हाँ हाँ हाँ। जैसे सामने अगर कोई गुंडा बदमाश आ जाए तो आप खुद को कैसे बचाएंगी? आप इस तरफ आ जाइए। आई आई इस तरफ आई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि चीतेश्वर चतुर्वेदी गुंडा बन के आ रहे हैं मुझे छेड़ने के लिए, तो मैं अपने खुद के डिफेंस के लिए क्या करूंगी? हाँ, ओके हाँ। चीतेश्वर चतुर्वेदी आओ मुझे छेड़ने। नहीं लगा हमको। नहीं लगा? ठीक है, समझे आप? हाँ हाँ हाँ। चीते उठ। अब सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, अपने कॉलेज वॉलेज कहीं जा रही हूँ, और लड़के ने मुझे छेड़ा, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, चीते मुझे छेड़। आराम से आराम से। क्या बात है मैडम, कमाल कर दिया आपने तो, चीते को एकदम चित कर दिया आपने। क्या बात है मैडम। क्या कर रही थी पुष्पा जी यार? हम मिस्ड कॉल दे रहे थे। किसको? नवाब साहब को? डीएसपी सर को। पुष्पा जी, ऐसे नहीं रे पापा। जय मैडम। जय हिंद। का क्या का चल रहा है? क्या चल रहा है? वही हम आपसे पूछ रहे हैं ना पुष्पा जी, दोनों फुसफुसा रही हैं कुछ, का चल रहा है बताइए हमको। अब दो बहनें आपस में फुसफुसा भी नहीं सकती, भगवान जानता है बड़ी बहन से कभी कम नहीं समझा। संतू ने ना आपको? नहीं नहीं, हमने संतू को। और वैसे भी हम फुसफुसा नहीं रहे थे, हम तो खबरें पढ़ रहे थे कि पुलिस है भाई, सचेत रहना चाहिए ना कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं सुनना है आपको? ठीक है, बताइए ना डीएसपी सर को क्यों मिस कॉल दे रही थी आप? बताते हैं बताते हैं। पुराना फॉर्मूला एकदम अच्छा, पप्पी लोगी क्या हमारी? नहीं नहीं, पीछे हो जाओ फिर। हमने डीएसपी सर को मिस कॉल किया, वो यहाँ कॉल बैक करेंगे, वो पूछेंगे किसने हमें फोन किया, हम बोलेंगे हम तो अभी आए, हमने नहीं किए। ऐसे 20-30 बार हम उनको मिस कॉल देंगे, वो हमें फोन करके पूछेंगे, और हर बार हम यही जवाब देंगे कि हमने नहीं किया। इससे क्या होगा? इससे तो वही होगा ना जो लल्ला के पप्पा को। क्या सर दर्द? नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी बार फोन करोगे तो सर दर्द ही होगा ना। उन्हें शक होगा। शक? फोन फोन पर शक होगा? हमें चढ़ बुद्धि। चढ़ बुद्धि? अच्छा ठीक, मैडम सर पर होगा ना शक। डीएसपी सर को मैडम सर पे क्या शक होगा? शक यही होगा ना कि ये जो मिस कॉल है मैडम सर उन्हें दे रही है। क्या है, आमने सामने खड़े रह के मैडम सर आई लव यू तो बोल नहीं पा रही, इसलिए शायद बार बार मिस कॉल दे रही है, इसलिए हम भी फोन करेंगे काटेंगे, फोन करेंगे काटेंगे, है ना। फिर दोनों के बीच में सोया हुआ प्यार जागेगा, दोनों तरफ आग बराबर लगेगी, चिंगारियां भड़केंगी, मजा आएगा। पुष्पा जी, 2021 चल रहा है, ऐसे आउटडेटेड आइडियाज पे ना तो जोक भी क्रैक नहीं होते, तो प्यार कैसे क्रैक होगा? ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आइडियाज अब अपने पास ही रखो। नहीं आने वाला डीएसपी सर का फोन, रहने दो। हेलो
हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। पुष्पा जी, हम बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। फोन किया था क्या किसी ने थाने से? नहीं सर, हम तो अभी आए हैं, हमने तो नहीं किया फोन। तो किसी और ने किया होगा। और कौन कर सकता है? नहीं नहीं, चीता तो यहाँ है नहीं, संतु यहाँ हमारे साथ खड़ी है। और हसीना जी, वो क्यों भला करेंगी फोन? और अगर उनको फोन करना भी होता है ना, तो हमें कहती है आपको फोन करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद। जय हिंद सर। देखा देखा, एकदम बाहर कैसा अजोक लगा। अब देखो आग दोनों तरफ बराबर लगेगी। तुक्का लगा है पुष्पा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लगी सर, बोलो लगी सर, अगर हमारा नुस्खा काम कर गया तो तुम हमें नया फोन खरीद कर दोगी, और अगर नहीं किया काम तो हम तुम्हें नया चार्जर खरीद कर देंगे। अरे अभी तो लिया ना तुमने नया फोन 4 साल पहले। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं फ्री के चार्जर से काम चला लूंगी, लग गई शर्त। चीते, अरे क्या हो गया, ये किसने की तुम्हारी ये हालत? क्या हुआ? क्या हुआ ये? किसने क्या तुम्हारा ये हालत चीते, बताओ हमको। चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, क्या करवा लिया है तुमने? हमने तुम्हें शिवानी के सामने शादी का झूठा प्रपोजल रखने को कहा था, इस तरह से अपने हाथ पैर तोड़वाने को नहीं। क्या हुआ, क्या करके आए हो तुम, और क्या रिजल्ट रहा हमारे इस प्लान का? तुम्हारे इस प्रपोजल के बदले शिवानी ने वो शायरी कही? नहीं मैडम सर, उसका नौबत ही नहीं आया। हम शिवानी के पास गए थे, बतियाने वाले थे कि तब तक वहां पर संतु जी आ गई, फिर हमारा ही हाल हो गया मैडम सर। चीता, हाँ चीता, कोई बात नहीं। चीते, तू मैडम सर के कहने पे झूठ मूठ का प्रपोज किया था, तू पहले क्यों नहीं बोला, मुझे पता ही नहीं था। चीते तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? लगी थी संतु जी, आखिरी बार तो तभी लगी थी जब पहला बार आपको देखे थे, यहाँ लगी थी। यहाँ लगी, लग गई संतु जी। चितेश्वर जी, चितेश्वर जी। ये कहाँ से रे? आप एक मिनट के लिए बाहर आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। जी जी, आइए 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 आइए, चलिए चलिए। दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, खैर कहिए, आप कहिए, किस लिए बुलाई थी आप हमको? वो मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली। कहाँ बतिया ली आप अपनी मम्मी से? वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम उसे काहे मिलना चाह रहे हैं आपकी मम्मी? बात आगे बढ़ाने के लिए, देखिए शिवानी जी, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, हम सॉरी बोल दिए ना, अब काहे बात आगे बढ़ाना है, छोड़िए ना, हटिए, खत्म कीजिए। शादी की बात? कैसा शादी? वही शादी जिसके लिए आपने हमसे पूछा था, हमने उनको सब बता दिया। क्या बता दिया? कि आप हमें पसंद है और हमें ये शादी मंजूर है। बैठी बैठी बैठी। जय हिंद। जय हिंद। प्लीज क्षमा चाहते हैं हसीना जी, आने में थोड़ा विलंब हुआ, दरअसल पहली मीटिंग ने काफी समय ले लिया। सीधा बिंदु पर आते हैं। बिंदु? डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आपके थाने में एक नया केस आया है, कानपुर के किसी ज्वेलर अमित कुमार का केस। जी। अमित कुमार आईजी साहब के जान पहचान वाले हैं, आईजी साहब के व्यक्तिगत अनुरोध से हमें भी इस केस में व्यक्तिगत रुचि लेनी पड़ रही है, और हमने ये भी सुना है कि आपने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को उस लड़की के पास भेजकर विवाह प्रस्ताव रखने का आइडिया दिया है, ये जानने के लिए कि वो लड़की शिवानी है या नहीं। हसीना जी, क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है? सर लेकिन आप ये देखिए हसीना जी, जब उस लड़की को ये पता चलेगा कि आपने अपने फायदे के लिए
भले ही अपने फर्ज के लिए क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल किया है, उसे धोखा दिया है, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? इतना बड़ा आघात पहुंचेगा उसके हृदय को, ये कभी सोचा है आपने? करना पड़ता है सर, ड्यूटी के लिए किसी का दिल तोड़ना पड़ता है, उसे धोखा देना पड़ता है, उसे जिंदगी भर का दर्द देना पड़ता है, लेकिन क्या करें सर, फर्ज है, करना पड़ता है। आप ही से तो सीखा है सर। एक और बात हसीना जी, आज सुबह से लगातार थाने से हमें मिस कॉल्स आ रहे हैं। वापस फोन करने पे हमें उत्तर मिला कि कोई नहीं जानता कि ये कौन कर रहा है। क्या आप इस विषय में कुछ जानती हैं? अब नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अजीब बात ये है कि कोई थाने से आपको मिस कॉल क्यों देगा? हमें भी समझ नहीं आ रहा है हसीना जी कि ये कौन और क्यों कर रहा है। ठीक है सर, हम इस बारे में पता लगाते हैं। धन्यवाद। और कुछ? जी नहीं। जय हिंद। जय हिंद। ए, क्या चल रहा है भाई? बदनाम, एक बढ़िया सी चाय पिलाओ। क्या हुआ? चीता सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आपको पता ही नहीं है क्या? बिल भाई, आज की ताजा खबर। पुष्पा जी, चीता गया है शिवानी के माँ से मिलने, चाय पे बुलाया है, शादी का ख्याल आया है। आज की ताजी खबर समाप्त। चीते, क्या हुआ और ये बीन लेकर क्यों घूम रहे हो? कहीं सांप पकड़ने का पार्ट टाइम जॉब तो नहीं ढूंढ लिया? मैं पुष्पा जी गए थे उसी मानी के घर पे उसकी माई से मिलने, वो आगे पीछे कुछ नहीं पूछी, हाथ में ही बीन थमा दी, बोलती खाओ पियो बजाओ ऐश करो, रिश्ता पक्का हो गया। कॉन्ग्रेट्स चीते। का कॉन्ग्रेट्स संतोष जी? परेशान मत करो चीते को, मगर ये शगुन के तौर पे बीन कौन देता है भाई? का पकड़ बिलोटे पकड़। यही सवाल पुष्पा जी हम ना उसके माई से किए, तो कहती क्या है कि हमारा परंपरा है, हमारे पूर्वज ना सपेरे थे, हमारे खानदान में अजगर पैदा हुआ था, इसीलिए हम लोग शगुन के तौर पर बीन देते हैं। बताइए चीते, टेंशन क्या ले रहा है? केस सॉल्व हो चुका है, पता चल गया कि वो निधि नहीं है, तू फोन करके सच बता दे। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं, फोन मत करो। अरे तुम ऐसे सीधा उसको बोल दोगे ना तो उसको लगेगा कि पुलिस वालों ने उसकी भावनाओं के साथ खेला, झूठ बोला उससे। नहीं नहीं, ऐसे फोन मत करो, और वैसे भी लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस की छवि क्या रह जाएगी लोगों के मन में, और कुछ हो ना हो हमारी नौकरी पक्का चली जाएगी। मत बोलो, मत करो। पुष्पा जी, किस स्पीड से वो चीते के पीछे पड़ी है शादी करने के लिए, शाम तक दोनों मंडप में मिलेंगे। चीते, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ चीते, तू फोन कर। हाँ तो हम भी तो उसके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं कि मत करो चीते, फोन मत करो बिल्कुल। चीते, तुझे शादी करनी है क्या? फोन कर। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, हमें ज्यादा तजुर्बा है, हम बड़े हैं उम्र में। हाँ तो हम कह रहे हैं तुमको मत करो फोन, ये कुछ भी बकवास मॉडर्न सी आइडिया दे रही है, मत करो, इसकी बात मत सुनो। नहीं नहीं, इनकी उम्र हो गई है जैसे ये कह रही है। चीते सुन, ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आइडियाज दे रही है, मैं तुझे कह रही हूँ तू फोन कर। अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो गया तो क्या हुआ? अरे हमें भी तो कोई तजुर्बा है ना, अनुभव है हमारे पास। पुष्पा जी, आपके आइडियाज पुराने। चीते तू फोन करना। अरे ये बकवास आइडिया बोल रही है चीते, मत करो। बकवास क्या? हम कह रहे हैं ना, हम बड़े हैं उम्र में, हम तुमको सलाह दे रहे हैं मत करो फोन, बातें और बिगड़ जाएगी। देख रहे एक मिनट, का बवंडर है, का घुड़दौड़ कर दिए आप लोग यार, का कर दिए आप लोग? नहीं, आराम से इत्मीनान से सोच कर समझ कर सूझबूझ से कुछ एक डिसीजन लीजिए, फिर बोलिए ना हम वही करेंगे ना, मतलब यहाँ पर हमारे जान पर बना है और आप लोग यहाँ पर बतकही कर रहे हैं आप लोग। देखिए अभी यही पर क्या रिप्लाई करेगा इसमें? मैडम लिखी है कि आप दोनों लोग को शिवानी के घर पर जाना है पूछताछ करने के लिए, आप क्या बोले उनको, क्या रिप्लाई करें उनको हम? यार चिता भाई, तुमको जाना चाहिए था यार, तुम जाती तुम्हारी शादी तय हो जाती। हाँ और हम सवाला बनते शादी में, और बारात में बैंड बाजा की जगह पे बीन बजती, हम सपोला बन के डांस करते, बजा बिल्ले बजाओ। या
संतोष। अभी तो रोक दी ना। तो फिर रोके क्यों? बजा। अगर बीन बजना बंद हो गया ना तो हम तुम्हें बजाएंगे। सास बहू दोनों बजाते। I'm not ready। बजाओ। बचा बचा मार मार बजा 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 बिल्ले बजा बिल्ले बजान हाँ चीते बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। हमको मालूम नहीं था पुष्पा जी इच्छाधारी नागिन है। क्या हुआ पुष्पा जी को? ऐसे मटक मटक ऐसे बल खा के नाच रही है ना कि अगर कोई नागिन नाचते हुए इनको देख ले तो वो नाचना छोड़ दे। क्या बात कर रही है? पुष्पा जी नागिन डांस कर रही है काहे? अरे मैडम क्या बताएं, बीन था उसके हाथ में, बीन जैसे बजाना शुरू किया पता नहीं पुष्पा जी को क्या हो गया है, चार घंटा से ना लगातार नाचे जा रही है, गजब रुकिए नहीं रही है। क्या करें मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रुकेंगी ना, वो बहुत बड़ा गलती कर दिया। अम्मा बीन काहे बजा दिया उनके सामने? काहे? अरे उनको प्रॉब्लम है, उनका बचपन से चल रहा है ये दिक्कत, उनके सामने बीन बजाओ ना नागिन डांस करने लगती है, वही कर रही है ना, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सही बोल रही है मैडम, बिल्कुल सही बोल रही है, एकदम ऐसे ही पगले टाइप नाचे जा रही है। मैडम बताइए अब करे काम, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो तरीका होगा इनका ब्रेक फेल नागिन डांस रोकने का। हाँ तरीका है चीते, एक तरीका है, एक काम करो उनके ना दाएं गाल पे एक जोर का कंटाप लगाओ, वो तभी ठीक हो सकती है। क्या बात कर रही है मैडम आप? हाँ चीते यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है, जल्दी करो। ठीक है मैडम हम कुछ करते हैं। करिश्मा मैडम बोली है ना कि पुष्पा जी के बचपन का प्रॉब्लम है, इनको ठीक करने के लिए इनके दाएं गाल पे खींच के थप्पड़ मारना पड़ेगा। कौन जाई मारी संतु जी? क्या संतु जी मारी है? तू जाके मार। ए यार मुंह का ताक रहा है, जाओ ना यार मारना। क्या यार तुम जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, ये तो कर लो कम से कम। गजब आदमी है ये चीते, जा। अरे बिल्लू बेमौत मारा जाएगा, जा जल्दी। नहीं चीते, 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 नहीं तू जा। हम एक ही साथ पर जाएंगे। आप बोली थी ना कि आप हमारे दोस्त हैं, तो शिवानी से हमारा शादी होने के लिए हमको बचा लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है। मर गया क्या? अरे जिंदा। देखिए देखिए, मैं एक बार काम जो अपने हाथ में लेता हूं वो पूरा करके छोड़ता हूं, और मेरे पेपर का तो गवर्नमेंट के पेपर फेल हो जाते हैं यार मेरे पेपरों पे। अब मेरे पास आपका काम है ना, तो काम 100% हो जाएगा आपका। ये लीजिए भाई साहब, ये पूरे 1,00,000 रुपए है, आपको पहले दिए थे ना 4,00,000 रुपए, और ये 1,00,000 मिला के 5,00,000 पूरे हो गए। भाई साहब अब तो मेरी बेटी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, कल से कॉलेज जा सकती है वो। भाई साहब इसे पुलिस में भर्ती कराना है? नहीं नहीं आपको नहीं, फोन पे बात कर रहा था मैं।
अरे मैडम जी, आप क्या बात करती हैं? समझ लीजिए भर्ती हो गई, कांस्टेबल भी बन गई और तैनात भी हो गई। जी जी। अब देखिए, राइटिंग एग्जाम तो हमने पास करा ही दिया था। अच्छा। अब फिजिकल एग्जाम भी हम पास करा देंगे। सब सेटिंग है, क्या है? सेटिंग है। कचूर। जी हाँ जी हाँ। और मैडम, अरे बेटा तुम्हें मैडम क्यों बोलने लगा? अब फोन रखो, आपसे बाद में बात करते हैं, चलो बाय। हाँ तो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो, या फिर उम्र निकल गई हो, या फिर नौकरी ना मिल रही हो, हमारे पास लाइए, सब हो जाएगा। अब शिवानी को ही ले लीजिए। कैसे? चुटकी बजाकर हमने निधि को शिवानी बना दिया।